ओके, वेलकम बैक टू नेगी जी बायोलॉजी क्लासेस फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा है साइटोस्केलेटन के ऊपर, और इससे पहले ऑलरेडी जो है एक वीडियो आ चुकी है साइटोस्केलेटन के ऊपर, और उस वाले पोर्शन में जो है हमने देखा था उसके डिफरेंट पार्ट, यानी कि साइटोस्केलेटन होता क्या है और उसके कितने पार्ट होते हैं, तो उसमें हमने माइक्रोट्यूबुल जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देख के आएँ और वहाँ से पहले अपने नोट प्रिपेयर करके आएँ। तो आगे बढ़ते हैं हम साइटोस्केलेटन में। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम माइक्रोफिलामेंट, है ना, माइक्रोफिलामेंट पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ेंगे और माइक्रोट्रैबिकुलर लैटिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं कि ये हैं क्या, और इनके फंक्शन हम अलग से देखेंगे, और लास्ट में हम सम अप करके देखेंगे कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन होता क्या है। ठीक है ना, तो जो माइक्रोफिलामेंट हैं ये थिन होते हैं और सॉलिड हैं, मतलब पतले होते हैं और सॉलिड होते हैं। सॉलिड हैं तो मतलब इसका मतलब जो साइटोस्केलेटन में जो इसका पूरा अपना एक रोल है, एक तरीके से जो है मजबूती प्रोवाइड करवाने का है। ठीक है, अभी जो है ये किससे मिलके बना होता है, ये दो इंटरविंड स्ट्रैंड होते हैं प्रोटीन के, जिसको कि हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, है ना, एंड कॉल्ड एक्टिन। इसलिए इसी वजह से हम जो है इसको हम एक्टिन फिलामेंट कह देते हैं। ठीक है ना, नाउ दिस एक्टिन इट इज पावर्ड बाय ATP। ठीक है ना, मतलब इसके पास जो इसका एनर्जी सोर्स है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ATP है। ठीक है, एंड फिर ये क्या करता है, एज एक तरीके से जो है जो प्रोटीन की जो मूवमेंट है ना, एज जो मूवमेंट में जो है हेल्प आउट कराता है, है ना, एक्टिन प्रोटीन के मूवमेंट में जो हेल्प आउट कराता है, और उसको हम कह देते हैं मायोसिन। आपने सुना होगा एक्टिन मायोसिन प्रोटीन, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी जो है हेल्प आउट करवाते हैं। ठीक है ना, आई होप इतना क्लियर होगा। दूसरा क्या होता है कि ये जो एक्टिन है, एक्टिन क्या करता है कि बहुत सारे जो सेलुलर मूवमेंट होते हैं, है ना, सॉरी, जो सेल की जो है अलग अलग तरीके की जो फंक्शनिंग है, ये आगे जाके जो है उसके और भी काम है, उनमें जो है ये एक्टिन हेल्प आउट कराता है। तो उनमें से जो है ये सेल डिवीजन में जो है काम करवाता है, किसके, एनिमल में और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में, है ना। अगर याद हो तो मैं इससे पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइटोप्लाज्मिक या, है ना, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है। ठीक है ना, तो इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, सेल के जो शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। इस वाले पॉइंट को लास्ट में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, जो WBCs होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना, आपको पता होगा कि जो WBCs यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको कि हम ल्यूकोसाइट्स भी कह देते हैं, ये WBCs क्या करते हैं हमारी बॉडी में, हमको जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना, मतलब हमारी बॉडी को एक तरीके से गार्ड प्रोवाइड कर रहा है, सेफ गार्ड करके रख रहे हैं अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। तो अगर बाहर से कोई पार्टिकल आया, है ना, और किसी एक सेल को इन्फेक्टेड कर दिया, तो अभी ये जो WBC उस इन्फेक्टेड साइट तक जाएगा, ये जाएगा वहां तक, मूवमेंट करते हुए जाएगा उस इन्फेक्टेड साइट तक विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोफिलामेंट। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है माइक्रोफिलामेंट का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है। ये जो है फाइबर्स हैं मिडिल ऑर्डर के, ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, और इसके पास जो है कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके पास जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, इनका जो सीक्वेंस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है एज कंपेयर टू द हम अदर प्रोटीन्स अगर करें तो। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रोटीन्स लाइक डेस्मिन्स हो गए, ठीक है ना, और भी बहुत सारे तरीके के प्रोटीन हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इसे क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट लिख देते हैं डेस्मिन्स, है ना, लेमिन्स भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, फंक्शन क्या होता है इसका, इट इज़ क्रूशियल इन होल्डिंग टिश्यू लाइक स्किन। जैसे हमारी स्किन है ना, हमारी स्किन है, तो आप देख सकते हैं कि स्किन ऐसे तो है नहीं कि अलग अलग है, ठीक है, इसका मतलब इसको कोई ना कोई तो होल्ड करके रख रहा होगा। अल्टीमेटली जो है बहुत सारे सेल से मिलके ही जो है स्किन बनी हुई है, और हमें पता है कि जब बहुत सारे सेल जिनकी की एक ही जैसी फंक्शनिंग हो और जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, टिश्यू, है ना। तो स्किन और कुछ नहीं है, है ना, एक तरीके का टिश्यू है। ठीक है, और इस स्किन को होल्ड करके कौन रखता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा, दूसरा क्या, इट कंट्रीब्यूट्स टू सेलुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट
ऑल्सो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम माइक्रो ट्रेबुलर लेटिस, इसके बारे में कुछ ऐसी कोई ज़्यादा जानकारी तो अभी तक है नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली फाउंड हुआ है, ठीक है ना। एंड इट इज़ फाउंड टू बी फिल्ड विथ 3D नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड, जो इंटरलिंक्ड फिलामेंट है ये उनके साथ ही जो है मतलब वहाँ पे ये पाया गया है। बस अभी बस इसके बारे में इतना ही कुछ पता है, और इतना पता है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक राइबोसोम हो गए या लाइसोसोम हो गए, ये इनके साथ जो है मतलब एंकर्ड रहते हैं, मतलब लगे हुए हैं इनके पास ये लाइसोसोम भी और ये राइबोसोम भी। अच्छा, तो राइबोसोम का फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस, और मैं राइबोसोम को ऑलरेडी डिटेल में भी शायद हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली लेक्चर्स में, नहीं देखा तो वहाँ जाके देख लो, ठीक है। दूसरा, लाइसोसोम को भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या फंक्शनिंग है, कितने टाइप के लाइसोसोम भी हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर नहीं देखा है तो पहले वो लाइसोसोम वाला वीडियो भी देख लेना, ज़रूर ज़रूर और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एक तरीके से, ठीक है, इससे पहला वाला पोर्शन भी, तो हमने सबके अलग अलग फंक्शन तो पढ़ लेते, लेकिन ऑल ओवर जो इसका फंक्शन है, तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है वो होता है इट डिटरमाइंस द सेल शेप। होता क्या है कि जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर एक और सेल, एक और लेयर होती है जिसको हम कह देते हैं सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, और सेलुलोज जो है इसको एक तरीके की टफनेस प्रोवाइड करवा देता है। अभी जब किसी चीज को हम टफनेस प्रोवाइड करवा देंगे तो इट मींस वो इसको, उसको जो एक सेल है उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो आपने देखा भी होगा कि लीफ का अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, कोई भी ब्रांचेस है उसका अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो मतलब उन सेल के पास रिजिडिटी है, एक प्रॉपर शेप है, किसकी वजह से, इस सेल वॉल की वजह से। लेकिन जो एनिमल सेल हैं या मैमल सेल हैं, या फिर जैसे हम हैं मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं हम, तो हमारे पास जो सेल हैं हमारे पास तो सेल वॉल नहीं है, तो फिर हमें कौन प्रॉपर शेप और साइज दे, कोई ना कोई तो उसे डिटरमाइन करता होगा ना, तो और कोई उसे डिटरमाइन नहीं करता है, यही वो साइटोस्केलेटन है जो हमारे सेल्स को जो है शेप प्रोवाइड करवाने में जो है हेल्प आउट करता है, ठीक है ना। तो आई होप पहला वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है इट अलाउ सेल टू मूव, है ना, सेल के अंदर जो है सेल को भी जो है मूवमेंट में जो है हेल्प आउट कराता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा भी था कहाँ पे, माइक्रोफिलामेंट वाले में, कि जो WBCs हैं वो मूव करते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये साइटोस्केलेटन है ये सेल्स की मूवमेंट में भी जो है हेल्प आउट करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट एंगल्स पार्टिकल, ऑब्वियस सी बात है अगर किसी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे अगर कोई बाहर का पार्टिकल आ गया है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, तो अब शरीर की यानी कि बॉडी की जो उसके गार्डिंग सेल्स हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करवाएं। तो उसको एलिमिनेट कौन करवाएगा, जो हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिंग सेल्स हैं, उसमें से WBCs एक इम्पॉर्टेंट सेल है जो हमें बचाता है इन फॉरेन पार्टिकल से। अब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आया, और फॉरेन प्रोटीन भी हो सकता है, ऑब्वियस बात, जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, इट सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो ये भी हम वाला पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि क्योंकि एक तरीके से एनर्जी भी इसी के पास ही है, तो ये क्या करेगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो है ये क्रोमोसोम के डिवीजन में भी जो है हेल्प आउट करवाएगा। लास्ट पॉइंट है इसका, इट अलाउ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, भैया कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद रिलैक्समेंट भी होगी ही होगी। तो ऊपर एक्टिन और मायोसिन वाला हमने जो पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट में, तो ये एक्टिन और मायोसिन क्या करवा रहे हैं, इस
जो मसल्स हैं एक्चुअली उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो है हेल्प आउट करा रहा है। तो आप देख भी सकते होंगे जब मैं जैसे कि अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो है मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही होंगी और रिलैक्स हो रही होंगी। तो इट मीन्स कि ये भी जो मूवमेंट हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो है हेल्प आउट हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है? साइटोस्केलेटन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ओवर जो भी है ना, आज हमने जो है सेल और सेल के ऑर्गेनेल ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। तो हम किन से मिलके बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है ना। एक सेल से टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू ने आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाए, है ना। इन्हीं ऑर्गन्स ने जो है एक पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार करा और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ। तो मतलब घमंड नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो सेल जिंदा है इसलिए हम जिंदा हैं, वो सेल अलाइव हैं इसलिए हम अलाइव हैं, है ना। तो अगर मैं इस स्किन को हटा दूं, आपकी भी स्किन को हटा दूं, तो पीछे से हम सब लोग एक ही जैसे दिखेंगे, है ना। बस स्किन का हो जाता है, कोई गोरा है, है ना। तो भगवान ने दिया है ये सब कुछ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर डालूं या वीडियो बनाऊं, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में करके बता देना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो प्रिपेयर करके डाल दूंगा। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, थैंक यू, टेक केयर।